तो दोस्तों यहाँ पर मेरा लोन आ चुका है। मैंने लोन अप्लाई किया था 10,000 रुपये एक अच्छी कंपनी में। अब लोग पूछते रहते हो ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है। मेरे भाई आपके लिए वीडियो लाया हूँ। ऑल द रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। 1,000 लोगों का लाइक टारगेट रखता हूँ। चैनल के साथ अगर नहीं जुड़ा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली को बड़ा बनाओ, ताकि आपके लिए रोज़ाना अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूँ हम। दोस्तों आप लोग जुड़ते नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं करते यार, फ्री का बटन कर दीजिए और नीचे हेल्प मी ज़रूर लिख देना वीडियो की। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं पूरी जानकारी के लिए कैसे एप्लीकेशंस की रिव्यू हमने लाया, तो वीडियो को आप देखो पूरा, तो कैसे आप यहां से ले सकते हो आसानी से लोन, पूरी जानकारी मैं दिया हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं दिल से यार आप लोगों को आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो लाइक ज़रूर कर देना। 1,000 लोग का लाइक टारगेट रखता हूँ, देखता हूँ कितने लोग खुश कर देता है, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो में बना सकूं। दोस्तों चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सब्सक्राइब करोगे तो परिवार बड़ा होगा और अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट हम लाएंगे। दोस्तों यार नीचे कमेंट बॉक्स में हेल्प ज़रूर लिख देना, हेल्प में लिखने से मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आज की कंपनी एक ऐसा, जहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये कहा था कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ज़्यादा, मेरे पास सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, तो लाते एक ऐसी कंपनी जहां पर आप सभी को हेल्प मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं पूरी जानकारी है लोन वो भी 10,000 का, और जिसमें मुझे बैंक खाते में मिलने वाला है 9,260 रुपए। चलिए दोस्तों ये लोन कैसे मिलता है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता दूं कि टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर ये 10,000 का लोन का लग रहा है 423 रुपए। एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 25% पर एनुअम का, और परसेंटेज रेट यहाँ पर 64। यहाँ पर अगर फीस एंड चार्जेस की बात करें तो 610 रुपये का प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट हो रहा है मेरे लोन अमाउंट से, प्रिंसिपल अमाउंट से। GST 18% का 110 रुपये, और लोन डॉक्यूमेंटेशन फी 20 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर व्यू रिपेमेंट शेड्यूल में क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों देखो मेरा EMI बन रहा है 2,632 रुपये करके, और यहाँ पर 10 सितंबर से यहाँ पर चालू हो रहा है और 10 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। 4 किस्तों में मुझे ये 10,000 लोन को ये करना पड़ेगा। दोस्तों पेनल्टी वगैरह का चीज़ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि आप अवेयर रहना। फर्स्ट ओवरड्यू डे पेनल्टी आपको 4% लग जाता है, तो कभी भी बाउंस मत कराना अपने EMIs को, सही टाइम पे रिपेमेंट ज़रूर कर देना। वैसे भी ये सारी ऑनलाइन सारी कंपनियों का इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन यार बंदा एमरजेंसी में क्या ना करता। तो दोस्तों इसी चीज़ के लिए, एमरजेंसी के लिए ही आप ऑनलाइन लोन लिया करें, वरना ना ले। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रूरत पड़ने पे ही लोन ले, वरना ना ले, अवॉइड करें दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे बेटर है, देखो एप्लीकेशन में गूगल में लेके चलता हूँ आपको, गूगल में जाके कौन सी एप्लीकेशन से मैं बताता हूँ आपको। बात करें तो 50 मिलियन डाउनलोड से दोस्तों प्ले स्टोर पे, 4.4 की रेटिंग से। अगर रेटिंग्स चेक कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर रेटिंग्स अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर रेटिंग्स काफ़ी अच्छा है लोगों का यहाँ पर, क्योंकि यह काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ये कंपनी लोन अप्लाई दे रहा है। ये कंपनी का नाम क्रेडिट भी कंपनी का नाम है। चलिए दोस्तों डिटेल्स में बता दूँ क्रेडिट भी के बारे में। 1,000 से 4 लाख तक का इंस्टेंट लोन कंपनी प्रोवाइड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों 0% से लेकर 29.95 पर एनुअम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। 10 ईयर्स की बात करें, 3 महीने से लेकर 24 मंथ तक के लिए आप यहां से ले सकते हो लोन। APR की बात करें 0 से 70% का। लोअर ट्रांजेक्शन फीस है, क्विक एंड ईजी EMIs है। तो यहां पर आप बहुत सारे पर्पस में यहां पर ले सकते हो लोन। फर्स्ट अप्रूवल है, डिजिटल प्रोसेस है, 10 मिनट में आपको डिसबर्समेंट मिल जाता है, और कहने की बात नहीं है, सही बात है। तो यहां पर कंपनी का तरह तरह का लोन का, देखो दोस्तों एक स्टूडेंट, एक अनएम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, इनके लिए भी अलग तरह की लोन है। अगर एक सैलरीड है जो अच्छा ऐसा कमाता है, उनके लिए भी अलग तरह का लोन है। दोस्तों यहाँ पर अगर प्रोडक्ट वगैरह परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग तरह की लोन है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपरलेस पूरा प्रोसेस होता है, 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल है लोन, फुल ट्रांसपेरेंसी दोस्तों है, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी अवेलेबल है। और बात कर ले, देखिए दोस्तों ये लेंडिंग पार्टनर्स है कंपनी की, जो क्रेडिट भी कंपनी का लेंडिंग पार्टनर्स जो सारे कंपनी इन्वेस्टर्स है। और अगर बात करें टाइप ऑफ लोन्स की, जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 3 से 10 महीने के लिए टेंडर पर आप 1,000 से लेकर 50,000 का पैन कार्ड और प्रूफ एड्रेस प्रूफ के आधार पे मिल जाता है आपको। सैलरीड के लिए आपको 10,000 से 4 लाख तक मिल जाएगा, जिसमें आपको इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड सारी चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो दोस्तों आपको 1.5 लाख तक मिल जाएगा 3 महीने से 12 महीने के लिए, वो भी सिर्फ आपका ITR और पैन कार्ड के आधार पर मिल जाएगा। परचेस ऑन EMIs, कुछ प्रोडक्ट वगैरह लेना चाहते हो, लैपटॉप मोबाइल्स, तो दोस्तों आपको 2 लाख तक का परचेस EMIs मिल जाता है दोस्तों, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हो।
पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, अगर आप 50,000 का लोन ले रहे हो 12 महीने के लिए, 20% जिसका पार एनम इंटरेस्ट चार्ज है, प्रोसेसिंग फीस 1250, तो आपको खाते में मिल रहा है 48,289 रुपये और आपको टोटल चुकाना पड़ रहा है 55,580 रुपये। एलिजिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पर आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, यू शुड हैव इंडियन नेशनल सिटीजन, ठीक है, ओवर एज आपका 21 साल का होना चाहिए, स्टेडी मंथली इनकम रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सारी प्रोसेस दिया हुआ है, चलो प्रोसेस तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो यहाँ पर 2018 से कंपनी रन कर रहा है, काफ़ी अच्छी कंपनी का बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एप्लीकेशन, तो दोस्तों क्रेडिट भी यहाँ पर एप्लीकेशन खोल के दिखा देता हूँ कि कंपनी ने मुझे कितना लोन अप्रूव किया है, कंपनी ने मुझे अप्रूव किया है दोस्तों, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 16,000 तक का लोन कंपनी मुझे दे रहा है। कंपनी बोल रहा है कि 16,000 आपके लिए है क्योंकि मैं काफ़ी बार यहाँ पर लोन ले चुका हूँ जो कि 6 महीने के लिए है, लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी लोन को 10,000 लेना चाहता हूँ दोस्तों, व्यू समरी एंड चार्जेस पे क्लिक करूंगा तो सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर रजिस्टर साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको जो करना है वो है आपको अपना डिटेल्स फिल करना है, जैसे आपका नाम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड, और जिसमें आपको ई साइनिंग जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसी में एक ओटीपी आएगा, बस आपको ई वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपको लोन ऑफर हो जाता है और लोन को ऐसे ही जैसे मैं ले रहा हूँ ले सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक टिक हो जाता है जिसमें आपको एनरोल फॉर PA यहाँ पर ये सारी चीज़ के लिए पैसा कटता है, क्रेडिट स्कोर चेक कराना, तो इसको अनमक कर देना, जिसमें आपको देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देखिए 9,260 अभी 9,090 रुपये ट्रांसफर योर बैंक 10,000 के लोन के दोस्तों, ये कर दूंगा 9,260 रुपये, तो पूरा पैसा लेना चाहते हो तो दोस्तों इसको अनमक कर देना ज़रूर, 4 किस्तों में यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पर लोन पर्पस पूछेगा कि इस पर्पस में इस लोन को आप ले रहे हो, तो मैं यहाँ पर पर्पस दे दूंगा यहाँ पर शॉपिंग, और शॉपिंग पर्पस को देकर के मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा अकाउंट आ जाएगा, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ऐड सेविंग अकाउंट कर लीजिए, मेरा सिलेक्टेड है दोस्तों, यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद साइन लोन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डिजिटली साइन होता है, घबराने की बात नहीं है, बैंक में नहीं जाना है आपको, कोई साइन वाइन नहीं करना है, बस डिजिटली साइन होता है विथ फेस आईडी। कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, एक ओटीपी आएगा और फेस वेरिफिकेशन होगा, जैसे ही मेरा हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनके रेडी हो जाएगा, इसको टिक कर देना है, देखिए एग्रीमेंट बनके रेडी हो गया, कंटिन्यू विथ साइन लोन डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, इसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये टिक करके मतलब हो गया मेरा साइन, और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कर दूंगा यहाँ पर एक बन गया आपका ट्रांजेक्शन आईडी, यहाँ पर आप यहाँ पर कर रहे हो ये लॉ वगैरह एक्ट जो भी चीज़ है, यहाँ पर ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई होगा, एक सेल्फी आएगा, सेल्फी को जैसे ही आप यहाँ पर दोगे आपका लोन हो जाएगा अप्लाई। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अप्लाई, तो मैं यहाँ पर सेल्फी को यहाँ कर डाल देता हूँ, सेल्फी डालने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ही सेल्फी डाल देंगे आपको देखिए लोन विल बी प्रोसेस इन 1 आवर और इसी बैंक खाते में पैसा आएगा। मैं बैंक खाता चेक करके भी दिखाऊंगा कि पैसा आया कि नहीं, लोन अमाउंट 10,000 का है, और दोस्तों अकाउंट देख लीजिए आप, ठीक है, तो मेरे खाते में ये आएगा, बोल रहा है योर लोन विल बी प्रोसेस्ड इन 1 आवर। देखिए दोस्तों ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है और सिविल रिपोर्ट भी बन चुका है, यहाँ पर एक बाय एक करके मैसेज आएगा और जैसे ही मैसेज मुझे सबमिट यहाँ पर मिलता जाएगा वैसे ही ये प्रोसेस होता जा रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक कर दूंगा मैं आपको दिखाता हूँ ये लोन हमने सबमिट कर दिया, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार है, अभी इंतज़ार कर लीजिए, मतलब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको लाइव, बनके रहना दोस्तों वीडियो के साथ, और आप भी अप्लाई करना इस वीडियो को देखने के बाद ताकि आपको हौसला मिले, आपको सपोर्ट मिले। अब आप अगर फाइनेंशियली टूट चुके हो, पैसे की सख्त ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को देख के आपको हिम्मत आए कि यार हाँ मिलता है यार, हवाबाजी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए लोन आईडी क्रिएट हो चुका है, अप्लाई वेटिंग फॉर अप्रूवल, ठीक है, वेटिंग फॉर अप्रूवल, और उसके बाद बैंक ट्रांसफर, उसके बाद रिपेमेंट। दोस्तों यहाँ पर देखो क्या है, अप्लाइड हो चुका है, वेटिंग फॉर अप्रूवल, और फिर उसके बाद बैंक ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो रिपेमेंट का समय, मतलब ये एक प्रोसेस है, तो जैसे ही मुझे मिल जाएगा और ये किस्तों में मैं चार किस्त चुका दूंगा तो ये रिपेमेंट डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करके आप बार बार चेक कर सकते हो, देखिए दोस्तों यहाँ पर हो शायद आ चुका है पैसा, मैं आपको बैंक खाता भी खोल के दिखाऊंगा, ये भेज चुका है उधर से पैसा जिसके लिए EMIs बन चुका है, देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4,
एक एक किस्त अगर चुकाना चाहते हो तो दोस्तों एक एक किस्त करके आपको मंथली चुकाना है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया इस लोन को लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है फोर क्लोज लोन, तो यहाँ पर आपको एक साथ लोन को क्लोज करने का मौका मिल जाता है, वो तो उसी पे क्लिक कर देना। ये अलग अलग किस्त को पे मत करना, देखो यहाँ पर ये सारे इनएक्टिव है, ये ही एक्टिव है, जैसे इसको पे करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, फिर ये एक्टिव, फिर एक्टिव। अगर एक साथ पूरा लोन को खत्म करना चाहते हो तो फोर क्लोज लोन करके पे नाउ कर देना, पूरा लोन आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं बैंक अकाउंट खोल के आपको दिखाने वाला हूँ कि पैसा मेरे बैंक खाते में आया कि नहीं। उसके बाद आप जरूर वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपके लिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों वीडियो में, और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बन रहा है तो किसी और के लिए नहीं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई मेरे बंधु, ऑल द रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ यार आप लोग सब्सक्राइब करके जाना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, क्या ना, तो किसको किसके साथ जुड़ रहे हो यार, वीडियो देख के ऐसे चले जा रहे हो। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, देख सकते हो कि मेरे बैंक खाते में पैसा आ चुका है, मैंने अप्लाई जो किया था वो क्रेडिट भी कंपनी से। आप लोग जाइए फटाफट अप्लाई करें, और कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करके जुड़ जाना चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करके जाना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अच्छी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।